लम्हे, फैसले, लोग, मुल्कों और लोगों की तकदीरों के फैसले करते हैं। इसी तरह से कल का सूरज भी पाकिस्तान की एक नई तकदीर का फैसला करेगा। उस इंतशार ज़दा माहौल के अंदर या उस इख्तलाफ के उरूज के माहौल के अंदर जो जुड़ा हुआ है इस पाकिस्तान की सियासत के साथ, लेकिन पाकिस्तान के समाज के अंदर एक बटे हुए लोगों की तरह से जो है वो दिखाई भी दे रहा है। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि एक फैसला कुन मरहला जो है वो आन पहुंचा है। इस फैसला कुन मरहले के अंदर यकीनन जो है वो एक फैसले के ज़रिए पाकिस्तान आगे जाएगा या फिर खुदा न खास्ता इससे भी जो है वो पीछे आ जाएगा। दोस्तों, कल का दिन 27 अप्रैल का दिन, और वो 27 अप्रैल का दिन जिस दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बड़े लोग जो है वो बैठेंगे, चीफ जस्टिस बैठेंगे, और फिर वो अपने बेंच के साथ जो है वो उन तमाम फैसलों के ऊपर गौर करेंगे और फिर अपना फैसला सादे करेंगे, जो कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब के इलेक्शन के हवाले से दिया गया फैसला है, यानी 14 मई के इलेक्शन के हवाले से। वो इलेक्शन जो होता हुआ पूरी कौम को अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। ये किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो अपब्रिंग की हैं, किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं, और किस तरह से पार्लियामेंट जो है वो इसके आड़े हाथों जो है वो इसके सामने खड़ी हुई है, और पार्लियामेंट भी अकेली नहीं खड़ी, ऐसा लगता हुआ दिखाई देता है कि पार्लियामेंट के पास भी जो है वो ताकत जो दी हुई है कम अज़ कम इस वक्त के अंदर जो है वो कहीं और की है। इन्हीं सारी चीज़ों को जब हम समअप करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ों को जो है वो ऊपर नीचे होता हुआ हम देख रहे हैं। सियासी पार्टियों का उरूज सवाल होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक सियासी पार्टी एक वक्त में होती है, एक वक्त में ऊपर होती है, एक वक्त में कम होती है, और यही जो है वो इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन जब यही उतार और चढ़ाव का जो है वो पैमाना इदारों के साथ जो मुस्तकिल होते हैं, यानी सियासी पार्टियां तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर रूल में आती हैं और पे चली जाती हैं, लेकिन अगर समझिए कि यही चीज़ें जो है वो कुछ इदारों के साथ जुड़ जाएँ, मीडिया के साथ जुड़ जाएँ, कि उनके जो है वो उरूज और जवाल के साथ जो है वो जुड़ जाएँ, उनकी कबूलियत और नाकबूलियत और मकबूलियत के साथ जो है वो जुड़ जाए, तो फिर ये कितना अहम हो जाता है। यानी लोगों के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस यकीनन जो है एक लम्हा फिक्रिया होता है। पाकिस्तान जो है वो इसी तरह के लम्हा फिक्रिया के इर्द गिर्द चक्कर काटता हुआ दिखाई देता है। इस वक्त बेतहाशा मफरूजात हैं इसके अंदर, लेकिन कल का जो फैसला है, कल का सूरज जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के 23-24 करोड़ अवाम, काश के ये भी जो है वो कम अज़ कम स्टैब्लिश हो जाए हमारी इस मरदमशुमारी के अंदर, और कोई उसके ऊपर इतराज़ात ना करे और इस इतराज़ात को जो है वो दूर कर दिया जाए उनके आने से पहले ही, कि हम कितने लोग हैं, कम अज़ कम हम अपनी सही तादाद जो है वो दुनिया को बता सकें, मैं बता सकूँ, आप बता सकें। सो दोस्तों, बहरहाल जी, कल के फैसले की जानिब जो है वो चलते हैं। आपको पता है कि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट गुज़श्ता एक हफ्ते से बहुत लाइट रवैया इख्तियार किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट जिसके ऊपर शदीद दबाव है, बहुत सारे स्कैंडल्स के इर्द गिर्द जो है वो घिरी हुई है, और वो स्कैंडल जो है वो कुछ बने और कुछ बनाए गए, जो आप इर्द गिर्द जो है वो देख रहे हैं, यानी जिसके ऊपर जो है वो वावेला मचाया जा रहा है। कभी तो कोई रिकॉर्डिंग लाई जाती है और कभी कुछ और जो है वो किया जाता है। आज की पार्लियामेंट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए, वो भी आप सब लोगों के सामने है। यकीनन मैं जब एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होते हुए या पाकिस्तान के कल के रोशन कल की जो है वो उम्मीद आस लगाए हुए बैठा, तो मैं बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन उन्हीं के साथ साथ मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी जो है वो आप लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके बगैर ही जो है वो कोई, मतलब जब तक आपको आपकी बीमारी का ना पता हो या आपको हालात ना पता हो, तो फिर आप दवाई की जानिब जो है वो जा नहीं सकते। तो दोस्तों, इसीलिए जो है वो इन फैक्ट को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आज पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एक भरपूर जो है वो आप कहिए कि ताबड़तोड़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के ऊपर जो है वो सवालिया निशान उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट के 3 मौजिज जजेस को जो है वो पार्लियामेंट की तोहीन का जो है वो ताना दिया गया, उनको पार्लियामेंट के अंदर बुलाने का जो है वो अंदिया दिया गया। यानी ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को कल जो है वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे FBR के इदारे या दूसरे छोटे छोटे IG पंजाब या इस तरह से जो है वो लोगों के बारे में बातें की थी, शायद इसी तरह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी जो है डील करते हुए दिखाई दी है। ये बात यही नहीं रुकी, बल्कि आइन की गर्देजी करते हुए या आइन को आला तरीन जो है वो मानते हुए बिलावल भुट्टो भी जो है वो इससे पीछे नहीं हटे, और बारहा जो है वो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का साथ देने का, और ये कहा कि हम हुकूमत के शहबाज शरीफ के हर फैसले में उनके साथ जो है वो करते हैं, जो कि गुज़िश्ता दिनों इससे पिछले और तरह से भी जो है वो दिखाई देते हुए नज़र आए हैं।
मैं इसको अगर अपना एनालिस्ट या पॉलिटिकल कमेंट्री इसके ऊपर करूं तो मुझे तो बिल्कुल ये लगता है कि ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है ताकि किसी तरीके से जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो कुर्बानी का बकरा बन जाए या जो है वो किसी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग के उनके नीचे से जमीन खींचे, वो अपनी सीट छोड़े और फिर इस तरह से वो एक और सियासी शहीद बन के और एक नया बयानिया लेके जो है वो अवाम के अंदर उतर जाए, नवाज शरीफ भी वापस आ जाए और फिर जो है वो इलेक्शन की जाते जो है वो जाया जाए। लेकिन भारत ये एक सियासी टैक्टिक जरूर हो सकता है, लेकिन पार्लियामान के अंदर ये किए गई बातें ये सब कुछ जो है वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा भी रहेंगी और तारीख को मुंह चढ़ाती रहेंगी, इन लोगों के सामने इनके क्लिप्स इनकी बातें ले लेकर जो है वो आती रहेंगी। दोस्तों अहम तरीन सिचुएशन के अंदर जो है वो आपने देखा होगा कि ईद से पहले बहुत सारी बातें आई जिसमें चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये भी आया कि हम सारी पार्टियों का एहतराम करते हैं, हमारा मकसद जो है वो कोई बिगाड़ नहीं बल्कि सुधार है। इससे पहले कि जो एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, सुप्रीम कोर्ट के अपने बेंच के जो इख्तलाफी नोट्स काजी फाइज ईसा का सामने आना, ये सब कुछ पहले जो है वो हो चुका है और फिर उसी बेंच को जो है वो कभी 3-4 के फैसले इससे जो है वो मुतशाबे करना और ये सारे सवाल भी जो है वो पहले से उठ चुके हैं। लेकिन अब समझिए ये कि ईद से पहले चीफ जस्टिस ने एक मौका दिया कि इस जो हमने तारीख दी है 14, वो तारीख तो नहीं हटेगी लेकिन अगर आप आपस में कोई बात कर लेते हैं, यानी अगर आप आपस में कोई मुसालत कर लेते हैं, सियासी जमातें जो है वो आपस में बैठ जाती हैं, जिसका सबसे पहले जो है वो जरदारी साहब ने जो है वो अंदिया दिया। जरदारी साहब ने कहा कि वाकई में ये बात होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भेजा भी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है मौलाना फजलुर रहमान से अपनी वो बातें जो उनको कही गई थी वो मनवाने में नाकाम रहे। और आपने देखा होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो उस मुलाकात के बाद ज़्यादा गरज चमक के साथ जो है वो सामने आना शुरू हो गए और उन्होंने बहुत सारी जो है वो प्रेस टॉक भी की, नवाज शरीफ साहब से रबते और फिर बहुत सारी बातें जो है वो कहीं। अल्टीमेटली बल्कि ये हुआ कि हुकूमत ने ये कह दिया कि अब जो है वो पीटीआई के साथ जो बात करने का जो सेहरा है या उनका हम मैंडेट जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को देते हैं। यानी आप सोचिए कि वो ऐसे खिलाड़ी जो पहले ही एक दूसरे के ऊपर बंदूकें तान के खड़े हो, उनके उनसे जो है वो पीस की उम्मीद रखना, हमारे यूजली हमने सुना है और ये खेल के मैदान की जंग के मैदान की कहानियाँ होती हैं कि लड़ने वाले घोड़े और होते हैं और मुफामत के घोड़े जो है वो कुछ और होते हैं, खास करके सियासत में तो ये खास बात हमें, यानी राणा सनाउल्लाह साहब और ये जो बहुत ही फॉरवर्ड फुटेड जो है वो खेलते हैं, सब लोग इसी तरह से नहीं खेलते। लेकिन बहरहाल ईद के दिनों के अंदर राणा सनाउल्लाह साहब उसके साथ साथ दूसरे बहुत सारे लोगों की तरफ से ये कहते हुए दिखाते हैं, जिससे कम से कम आम पाकिस्तानी हमारी तरह के जो लोग हैं उन्होंने जिनको जो एक अताब का शिकार हैं, जो एक मुश्किल का शिकार हैं पाकिस्तान की इस सिचुएशन से, और वो इस मुल्क को इस तरह से नीचे जाता हुआ देख के जो है वो हर लम्हे जो है वो अपनी मुश्किल के का तकलीफ का पेन का जो है वो इजहार करते हैं और उनको बेहतर नहीं लगता, वो समझते हैं कि हम शायद डूब रहे हैं इसके साथ, तो उन लोगों को ये बेहतर लगा कि बहरहाल किसी बात टॉक और मुसालमत की जो है वो बात होने शुरू, टेबल करने की जो है वो बात होना शुरू हुई है। लेकिन एक बार फिर से जो है वो आज का दिन जो है वो ये दिखाता है कि शायद ये कोई बात की कहानी बेहतर नज़र नहीं आती। आज भी पीटीआई के अरकान उस असम्बली के बाहर जो है वो फिर रहे थे, अपनी दुहाइयाँ दे रहे थे, कोर्ट के ऑर्डर दिखा रहे थे कि हमें अंदर जाना दिया, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। और हम ख्याल जो है वो असम्बली जो कुछ ऐसे लोगों के ऊपर जो है वो बनी हुई है जो सिर्फ एक ही रो के अंदर बह रहे हैं और उनके साथ असम्बली के अंदर जो है वो ये बड़े बड़े फैसले जो है वो किए जा रहे हैं, यही वो दोस्तों सवालिया निशान है और यही वो बात है कि ऐसी असम्बली की क्रेडिबिलिटी जो है वो क्या होगी और कौन जो है वो इसको मानेगा, कौन इसके बारे में जो है वो बात करेगा। और जब तासुर इस तरह का आना शुरू हो जाए कि असम्बली से बाहर वाले लोग ज़्यादा ताकत रखते हैं, अवामी ज़्यादा नुमाइंदगी रखते हैं या अवामी जो है वो पसीराई रखते हैं और अंदर बैठे हुए कम रखते हैं और फिर फैसले जो है वो सादर किए जाएं जो कि कम पॉपुलैरिटी और कम जो है वो शोहरत रखने वाले जो है वो चीज़ों के ऊपर जो है वो जुड़ी हुई है, तो यकीनन जो है वो इससे आने वाले दिनों की जो है वो स्याही नज़र आती है। दोस्तों बहरहाल कल का फैसला बहुत अहम है, फैसले के ऊपर तो हम ये नहीं बात कर सकते कि फैसला ये होगा या कुछ ऐसा, लेकिन बहरहाल कल का फैसला जो है वो पाकिस्तान के आने वाले कल का तायुन करेगा। ये इलेक्शन यकीनन एक इलेक्शन ही ऐसी चीज़ है जो किसी भी तरीके से अवामी राय दही जो है वही जो है वो किसी तरीके से इस अताब से पाकिस्तान को निकाल सकती है, लेकिन न जाने ये ऐसी क्या बात है कि ये इतनी जमातों के इकट्ठे होने के बावजूद भी, उनका ताल्लुक उनकी बॉन्डिंग होने के बावजूद वो इकट्ठे मिलके जो है वो सारा इलेक्शन लड़ने और इमरान खान को हरा दें ताकि जो है वो एक दफ़ा ये सारा मसला जो है वो हल हो, पाकिस्तान किसी सिमत की जाने जाए, बड़े फैसले हों,
न जाने ये सब लोग जो है वो इलेक्शन से दूर जाते हुए भागते हुए दिखाई क्यों दे रहे हैं, और यही वो तासुर है जो बारहा जो है वो हर एक को जो है वो पिंच कर रहा है, और इसी की जो है वो दास्तान सुप्रीम कोर्ट तक भी जो है वो पहुंच चुकी है, और शायद बावर कर लिया है उन्होंने। यही वजह है कि उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर जो है वो पंजाब का इलेक्शन करवाने की डेट भी जो है वो दे दी गई है। दोस्तों कल का दिन जो है वो अहमियत का हामिल है, इसलिए नहीं अहमियत का हामिल कि एक फैसला होगा और उसके बाद जो है वो बड़ी चीज़ें, इसलिए अहमियत है कि ये फैसला महज चंद दिनों का, लोगों का, पार्टियों के ऊपर जाने का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के आगे जाने का जो है वो फैसला होगा। और पाकिस्तान दो ही चीज़ें नज़र आती हैं, यानी एक तो ये कि ये फैसला तारीख हो और फिर पार्लियामेंट जो है वो इसके सामने खड़ी हो जाए, वो इस फैसले को माने ना, और जिस तरह से जो है वो इजहार कर दिया गया है कि इसको फैसले को कोई नहीं मानेगा, चैलेंज करेंगे, पहले ही बता दिया गया कि ये फैसला अगर हुआ तो ये मानेंगे नहीं, और जबकि ये फैसला हो चुका है। और दूसरी जाने सुप्रीम कोर्ट है जिसकी ताजीम है, जिसके जो एक ऐसा हाउस है जिसने आइन की तशरीह करनी है, आइन की तशरीह, आइन का सेहरा जो है वो उनके हाथों के अंदर है, इंसाफ की कलम उनके हाथों के अंदर है, और जब वहाँ से अगर किसी को लगेगा कि इंसाफ नहीं मिल रहा तो यकीनन जो है वो पाकिस्तान रियासत, लोगों, निज़ाम सबसे एतमाद जो है वो लोगों का उठ जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त क्रूशल हालात के अंदर जो है वो चल रहा है। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं दुनिया किस तरह से जो है वो तरक्की कर रही है, उस वक्त जब हम इस इंतशार के दरमियान हैं, हमारे ही बराबर मुल्क जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन के अंदर दुनिया के अंदर जो है वो रिकग्नाइज हो रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो वहाँ पे लग रही है, और यही वो नोहा है जो मैं और मेरी तरह के मुहिब वतन पाकिस्तानी या पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग जो है वो पीट रहे हैं, और वो सवालिया निशान जो है वो उन तमाम फैसला साजों से ये कर रहे हैं कि आखिर इस मुल्क का हाल क्या कर दिया है आपने, और उन खास करके इलेक्टेबल से कर रहे हैं कि उनके असूलों ने, उनकी जाती लड़ाइयों ने कितनी बड़ी खलीज जो है वो क्रिएट कर दी है कि वो एक दूसरे को देखने के जो है वो नहीं है। हालांकि कितना ज़बरदस्त सिस्टम है पॉलिटिक्स में, किसी एक ने आना है, किसी दूसरे ने जाना है। आप अगर एक इक्तदार में हैं तब भी बेहतर है, अगर आप इक्तदार में नहीं भी हैं तो क्या आप हैं नहीं, आपकी एक हैसियत है, आप एक ऑपोजिशन में हैं और आप हमेशा एक पॉजिटिव किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। एक ऐसा निज़ाम जो है वो हमारे यहाँ पड़ता है, ना कि ये कि हर कोई जो है वो एक दूसरे की जान के, यानी अब जो है वो ख्यालात और फिलॉसफी ही नहीं, एक दूसरे की जान के दुश्मन तक जो है वो लोग बने हुए हैं। ये वो आप समझिए कि वो अंधा घड़ा है जिसके अंदर हम इस वक्त गिरे हुए हैं। आने वाले दिन के फैसले यकीनन हमें दुआगो हैं, हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि इस घड़े से हमें आगे लेके जाएंगे, हम अपने नौजवानों को क्या मुंह दिखाएंगे, हम अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे, हमारे फैसला साज, हमारी रियासत के सतून जो है वो क्या मुंह दिखाएंगे, कि हम उन्हें कैसा पाकिस्तान जो है वो लेके जा रहे हैं। तारीख जो है वो हमेशा आपके फैसलों, आपकी बातों, हमारे लोगों, हमारे हर इदारे, हमारे हर पॉलिटिकल कमेंटेटर, हमारे हर पॉलिटिकल वर्कर, और ख़ास करके वो फैसला साज जिनको वो ताकत दे के जो है वो असम्बली में भेजते हैं, उनसे ये सवाल उठाते रहेंगे कि आपने हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए क्या किया। दोस्तों पाकिस्तान के रोशन कल की जो है वो एक और उम्मीद लिए जो हमेशा हम अपने साथ रखते हैं, एक उम्मीद ही है जिसका दामन हम आज तक थामे हुए हैं, और उस उम्मीद का एक ही सिरा है और वो है पाकिस्तान जिंदाबाद।